आपके अपने YouTube चैनल रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछला जो देखे थे वीडियो जो टाइप कोड का था उसी के पैटर्न का मतलब उससे थोड़ा सा हम लोग कहें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पढ़ेंगे जो प्रॉफिट लॉस में सवाल पूछा भी जाता है आपको ये भी टाइप अच्छा लगेगा। आप ध्यान देंगे लगभग उसी के एरेंज का सवाल है उसी को थोड़ा सा उलट पुलट दिया है क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देखो। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें खरीदने वाले को क्रय मूल्य रोज एक ही बात बोलेंगे क्योंकि इसमें एक ही बात बताना ही है। खरीदने वाले को क्रय मूल्य बेचने वाले को विक्रय मूल्य। दूसरा बात जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य पर देते हैं यानी जितना हम खरीदे गए हैं उसी को बढ़ाते हैं या उसी को हम लोग घटाते हैं तो कहते हैं कि लाभ या हानि हुआ। ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे इतना बात जो है फिर हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल है आज का कि एक रुपया में 25 की दर से वस्तु खरीदा गया एक रुपये में 25 की दर से आप इसको ऐसे बताएं एक रुपया में 25 की दर से वस्तु एक रुपया। यहां आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह की चीज को लिखें रुपया ऊपर लिखेंगे वस्तु नीचे लिखेंगे आप हमेशा ध्यान रखें रुपया ऊपर और वस्तु नीचे कि एक रुपया में 25 की दर से वस्तुएं खरीदी गई। कहता है कि 25% लाभ हेतु एक रुपये में कितनी बेची जाए 25% लाभ हेतु हम इस पे 25% लाभ दे दें 25% आप लाभ समझते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है इंक्रीज करेंगे तो 5/4 लाभ। जैसे ही ये क्रय मूल्य था यानी एक रुपया में 25 वस्तु खरीदा गया था ये क्रय मूल्य था जैसे ही इस पे लाभ दिए ये विक्रय मूल्य हो गया। हम बताए हुए जब भी क्रय मूल्य पे लाभ या हानि वो विक्रय मूल्य होता है ये विक्रय मूल्य हो गया ये हो गया आपका कट के 5/4 यानी 1/20 यानी हम लोग कहें कि वस्तु बेचा जो जाएगा एक रुपया में कितना वस्तु बेचा जाएगा 20 वस्तु बेचा जाएगा। आप इस बात को आसानी समझ गए होंगे कैसे हम लोग लिखेंगे आज हम लोग इस प्रकार के सवाल को देखेंगे इस तरह के सवाल में क्या क्या वेरिएशन आता है आज हम लोग ऐसे सवाल को देखेंगे। ठीक है तो चलिए अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि एक रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। ठीक है यहां से अच्छा सॉरी अगला सवाल पढ़ दिए। ये सवाल है कि एक व्यक्ति एक रुपये में 15 आम खरीदता है एक व्यक्ति एक रुपये में 15 आम खरीदता है। देखिए एक रुपया 15 आम खरीदना एक क्रय मूल्य है एक रुपया में 15 आम खरीदता फिर कह रहा है कि एक रुपये में उसे कितने में बेचेंगे ताकि 25 सेम वही सवाल है। ठीक है डाटा खाली अलग है सिर्फ आप उसको समझेंगे 25% लाभ हो 5/4 हम लोग समझ रहे हैं 25% लाभ 5 × 15 यानी ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 3 है ना ये 5 है ना ये 3 1/3 चलिए ये आप समझ गए होंगे कि ये लाभ दिए हैं 25% यानी 5/4 ये क्रय मूल्य था एक रुपया में 15 वस्तु खरीदा गया क्रय मूल्य ये हो गया आपका विक्रय मूल्य एक रुपया में 12 वस्तु बेचा जाए। ठीक है उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझना आ गया। चलिए अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। अब क्लास भी रेगुलर रहेगा और जो है आप लोग जो है इससे बेनिफिट भी उठा पाएंगे क्योंकि अब हम चाहते हैं कि आपको जो है रेगुलर क्लास जो है ऑनलाइन हम देते रहें। ठीक है जल्दी ही हम लाइव आने लगेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले धीरे धीरे जो इंस्ट्रूमेंट है सबको अरेंज कर दिया जाए जिससे हम जो है लाइव आने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है धीरे धीरे क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर आने लगेगा और जो है फिर और जो है आसानी से जो है ठीक हो जाएगा सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए कहता है कि अगला सवाल है कि एक रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि 4% की हानि हो रही है बेचने पर। शब्द में ध्यान देंगे शब्द पर कि बेचना लिखा हुआ है या खरीदना लिखा हुआ है जैसे ही बेचना शब्द लिखा रहे तो आप समझेंगे वो विक्रय मूल्य और खरीदना शब्द रहेगा क्रय मूल्य। यानी कहता है एक रुपये में 4 वस्तु बेचने पर एक रुपया में 4 वस्तु बेचने पर ये विक्रय मूल्य। कहता है कि व्यक्ति को 4% की हानि होती है तो हम लोग जानते हैं जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य पर होता है इसका क्रय मूल्य कितना है ये हमको पता नहीं इसका क्रय मूल्य हम लोग सीपी मान लें या इसको भी उल्टा आप लिख सकते हैं ये चलिए आगे बताएंगे पहले इसको आप देखिए 4% लॉस तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 हो जाएगा ये देख लीजिए।
अगर हम लाभ कहें तो 26/25, हानि कहेंगे 24/25। एक चीज पढ़ा दिया पहले, ये हो जाएगा आपका 24/25। अब देखिए क्रय मूल्य पे लाभ दिए या विक्रय मूल्य, पीछे हम सवाल जो बताए हैं इसी पे बताए हैं। क्रय मूल्य पे जैसे ही लाभ दिए, विक्रय मूल्य ये हो गया आपके विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से हम लोग कटा भी सकते हैं, कट रहा है नहीं कट रहा, तो आप सीपी निकाल दीजिए कि क्रय मूल्य क्या, ये हो जाएगा कोने कोने गुना करें 25 और ये हो जाएगा 2400। इसका मतलब है कि 25 रुपया में 96 वस्तु खरीदा गया, 25 रुपया में 96 वस्तु खरीदा गया, आप देख पा रहे। और कहता है कि यदि वह वस्तु को, यदि वह एक रुपये की तीन वस्तुओं की दर से बेचता है कितने परसेंट का लाभ। अब देखिए अगली बार प्रतिशत लाभ पूछता है सवाल में। अब आप देखें कि प्रतिशत कहता है एक रुपये में तीन वस्तु की दर से बेचता है। अब हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 25 रुपया में 96 वस्तु खरीदता है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमको दिखाना है। और कहता है तीन, एक रुपया में यानी कह रहा है एक रुपये में तीन वस्तु की दर से बेच रहा है, एक रुपया में तीन वस्तु बेच रहा है, हमको लाभ हानि प्रतिशत देखना है कितना हो रहा है भाई। इसको हम लोग क्यों ना कर दें वस्तु को बराबर, यानी जितना 96 खरीद रहा था 25 रुपया में, और इसको भी बना दें 96, तो हम लोग इससे में किससे गुना करें 96 आ जाएगा। इसमें हम लोग गुना करें 12 के 36, ठीक है 32 से गुना करें तो ये 96 आ जाएगा, ठीक है 32 से गुना किया हम लोग 96 आ गया, इधर से 32 से गुना करें ये। अब आप देखें चीज को कि हम लोग कहें भाई 96 वस्तु खरीदा गया 25 रुपया में और यही 96 वस्तु बेचा जा रहा है 32 रुपया, ठीक है। यानी अब हम लोग कहें भाई कि 25 रुपया में खरीदा गया था 32 रुपया में बेचा जा रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 7 रुपया का लाभ हो रहा है, बटे कितना 25 गुना 100%, 25 चौके 100, 7 चौके 28% क्या लाभ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे ये हो रहा है देखिए, यहाँ जो है क्रय मूल्य आ गया था और यहाँ जो है सवाल में जो था हम लोग उसी को आगे बढ़ाए हैं, और देखिए आपको पता चल रहा होगा किस तरह से बेनिफिट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 7 कलम की दर से कलम खरीदता, 10 रुपया में 7 की दर से, 10 रुपया में 7 की दर से कलम। अच्छा ठीक कह रहा है, कितना परसेंट दिया हुआ, ऐसे आप लिखिए, इसको ऐसे ही लिखिए, 10 रुपया में 7 की दर से, 10 रुपया में 7 की दर से कलम खरीदता। और कहता है खरीदता, ये देखिए आप ध्यान देंगे, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, ये खरीदता। और कहता है कि उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, 40% लाभ, 40% लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कहेंगे क्या, 2/5 होगा, ये देखिए आप 20 × 40 = 2500, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। और इसका कहता है लाभ पे बेचता है तो क्या लाभ बढ़ा देंगे 5×7 यानी 7/5 हो जाएगा क्या, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, लाभ पे बेचता है। तो कहता है ग्राहक को 10 रुपये में कितने कलम मिलेंगे, यानी कहता है तो ग्राहक को, यानी दुकानदार बेच रहा है तो ग्राहक कितने में खरीदेगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं भाई 10 रुपया में कितना मिलेगा, पहले तो कटा लेते हैं हम लोग चुकना करके आएगा, ये 2/1 यानी वो आदमी यानी दुकानदार ग्राहक को बेच रहा है 2 रुपया में 1 कलम, 2 रुपया में बेच रहा है 1 कलम, 2 रुपया में 1 कलम बेच रहा है। यहां कहता है बताइए 10 रुपया में तो कितने कलम मिलेंगे, तो 10 बनाने के लिए क्या इसमें हम लोग ऊपर नीचे 5 से गुना कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 10 रुपया में 5 कलम। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए इसी सवाल को हम लोग ये कैलकुलेशन थोड़ा जो है आसान करके बना सकते हैं, क्योंकि ये 10/7 अगर है जो हम लोग लिखे थे क्रय मूल्य 7/5, ठीक है, ये हम लोग का 7/7 कट गया था, ये आ जाएगा 10/5 कितना 5, क्योंकि यहां सवाल में पूछ रहा था कि बताइए भाई ये 10 रुपया कितने बेचेगा, ये हो गया रुपया
और ये हो गया वस्तु। यहाँ आप नहीं कटा के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 रुपया में 5 वस्तु, डायरेक्ट यानी कलम डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक और करके लिखिए, मतलब इस तरह से भी सवाल होगा, कैलकुलेशन आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है कि 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि, बेचने पर, ये ध्यान रखें, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर, 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर 4% की हानि, सीधी 4% की हानि, यानी 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पढ़े थे 1/25 हानि करेंगे 24/25, तो ये आप हानि हुआ है, तो ये जो है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। इसी चीज को थोड़ा सा और भी हम लोग करके लिख सकते हैं कि डायरेक्ट अगर कोई क्रय मूल्य निकालना चाहता तो वो भी हम बता दें आपको कि कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं 1/20, ये तो आपका विक्रय मूल्य है, अगर ये आप ध्यान रखेंगे अगर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है 4% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/25 आता है, अगर उसको हम लोग हानि करके लिखे 24/25, इसी में आप हम पीछे भी बताए थे आप देखे, इसी में 24/25 न करके 25/24 कर दें तो ये डायरेक्ट सीपी आया जाता है, बात वही है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आसान लगेगा, कोई कोई इस तरह से भी कैलकुलेशन करता है ये भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, उल्टा डायरेक्ट इसमें गुणा कर देना, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए जो आपको आसान लगे, और ये यहां से हम लोग कर ले भाई कि 5 से 5 चौके 20, 5 5 25 सीपी हो जाएगा 5/24/6, यानी 5 रुपया में 96 वस्तु खरीदा जा रहा है, ये आपका क्रय मूल्य। कहता है 20% लाभ के लिए वह 1 रुपये में कितने की दर से बेचेगा, 20% लाभ, तो जब भी हम लोग लाभ यहां देते हैं क्रय मूल्य पर देते हैं 20% लाभ, 20% लाभ होता है 20/100 यानी 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, लाभ देंगे तो 6/5 होगा, पीछे भी हम लोग देखे हुए हैं ये 5, ये आप 5/96 है, इसी पे 20% लाभ 6/5 दे दीजिए, यानी ये निकलेगा विक्रय मूल्य, ये 5/5 कट जाएगा 97/96 यानी 1/100, यानी इसका मतलब है कि आपका ये निकल गया। कहता कितनी दर से बेची जानी चाहिए, 1 रुपया में 16 के दर से बेचेगा, बटन है, बटन लिख देते हैं जो भी है बटन वस्तु, यानी ये जो है आपका 1 रुपया में 16 के दर से बटन बेचेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो, हम ये चीज कर रहे थे कि अगर कोई लोग ऐसा भी करना चाहता है कि बच्चा कि आप जो है 1/20 तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था, इसी को आप 25/24 कर देते और ये हो गया क्रय मूल्य, इसी पे आप जो है 25% कितना लाभ हो रहा था 20% यानी 6/5, हम बता रहे थे कि डायरेक्ट आपका जो है कैलकुलेशन ये भी आएगा आसान, अगर आप धीरे धीरे इस चीज को भी समझ लें ये भी आसान है, ये हो जाएगा 25/25 125, ये हो जाएगा आपका 4 5 4, ये हो गया आपका, चलिए ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24, ये तो आपका 4 है ही, और ये हो जाएगा 1/20 यानी 1 रुपया में 16। ठीक, ऐसे भी आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आपके बाकी रहा आपका कैलकुलेशन इस तरह से भी आप सवाल को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इस तरह का एक और सवाल हम लोग देखते हैं, लास्ट सवाल, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझने में मजा भी आ रहा होगा और समझ में भी अच्छा से आ रहा होगा। ठीक है, जो भी हम लोग सवाल पा, तो आप देख सकते हैं कि मैं जो पढ़ना कितना जो है इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है, ये आप देखिए इस चीज को। तो कहता है 64 सेवों को 60 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, 64 सेवों को 60 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ। तो हम बताए हैं कि जब भी आप चीज को देखिए सवाल को ऐसे सवाल में, तो आप समझिए कि रुपया ऊपर रखना है और वस्तु जो है नीचे रखना है, 60 रुपया है, 64 वस्तु है। कहता है बेचने पर, यहां दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ये विक्रय मूल्य था, हम डायरेक्ट बताते हैं आप समझिए, 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, लाभ करेंगे तो ये हम लोग को जो निकला ये विक्रय मूल्य था, अच्छा ये डायरेक्ट करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, ये चीज को समझिए।
यानी ये विक्रम उद्धा, ये जैसे ही उल्टा के फ्रैक्शन को गुणा कीजिए, ये हो गया आपका करण। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है सबको? यानी ये जो हम लोग किए हैं, ये विक्रय मूल्य दिया था, ये क्रय मूल्य निकालने के फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा दिया, ऐसे 5/4 होता है, ये 4/5 करके ये निकल गया आपका क्रय मूल्य। 40% हानि के लिए कहता है उसे, हानि के लिए, ये तो क्रय मूल्य निकल गया, अब इस पे कहता है 40% हानि हो रहा है, 36 रुपये कितने सेट बेचेंगे, इसका मतलब है 40% हानि, 40% का हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, हानि करेंगे तो क्या 3/5 होगा? आप देख लीजिए हमसे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, 40 × 25 = 100, यानी 2/5। अगर हम लोग हानि करें तो क्या ये घटेगा कि नहीं, 3 × 5 = 2 घटेगा, 3 आएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य, कितना में बेच सकते, ये हम लोग का यहां पहले इसको सोल्व करें, 16 × 64 और ये हो जाएगा आपका 12 × 5 = 60, 4 × 12 और 4 × 16 यानी हो गया ऊपर में 9 और नीचे में 20। तो हम लोग कहे भाई 9 रुपया में 20% बेच रहा है, यानी 40% लाभ देके बेच रहा है, तो 9 रुपया में 20% बेच रहा है, 20 शेयर है जो भी। कहता है कि बताइए उसे 26 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, इसका मतलब है 9 रुपया में 20 बेच रहा है, तो 36 बनाना है हमको, रुपया को 36 बनाना है, तो क्या ऊपर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हो गया 36 रुपया, ये हो गया वस्तु, हो गया आपका 80, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 36 वस्तु 36 रुपया में 80 सेब या वस्तु जो है बेचा गया। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ये टाइप जो है सेम जो पिछला जो टाइप पढ़े थे उसी से रिलेटेड टाइप है, इसको आप उसको ज्वाइंट करके इस टाइप को पढ़े, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ